फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24 में बाय बीके। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आज जो है क्लास 12 फिजिक्स का फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। उनमें से आज मैं ऑप्टिक्स का फ्रेंड्स आज मैं कराने चल रहा हूँ। कौन सा क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले फ्रेंड्स कराऊँ क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या कराने वाले हैं आज, तो चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप डेफिनेशन। फ्रेंड्स, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप? तो फ्रेंड सबसे पहले तो थोड़ा सा हम ऐसे बता दें, सिंपल माइक्रोस्कोप फ्रेंड्स हम लोग सभी लोग देखे हैं। जो हम लोग देखते हैं छोटा सा जो पहले ड्राइंग बॉक्स आता था फ्रेंड्स, उसमें जो होता था एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते थे फ्रेंड्स। तो उसमें फ्रेंड्स अगर हम किसी वस्तु या किसी पार्टिकल्स या हम क्या कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता तो फ्रेंड सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सेट करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, यही इसका मेन रीजन है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप फ्रेंड, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इज मेड टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ थर्ड फोकल लेंस। ये फ्रेंड्स यही मेन है, क्या दिया है, दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। फ्रेंड क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप वो होता है जो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। शॉर्ट मतलब छोटे वेवलेंथ, इसका मतलब फ्रेंड क्या होगा, बहुत छोटे वेवलेंथ का होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी वेवलेंथ मतलब फ्रेंड क्या है, शॉर्ट जो है फोकल लेंथ का होगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ जितना फोकल लेंथ होगा उसी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिस्टिंग विजन। फ्रेंड तो डिस्टिंग विजन में अगर ऑब्जेक्ट हमारा होगा तब तो हमको मैग्नीफाइंग करके बड़ा दिखेगा, और डिस्टिंग में नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही मेन मैटर होता है, तो इसलिए ये मेन होता है हमारा शॉर्ट फोकल लेंथ। फ्रेंड ठीक है, तो चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए थोड़ा सा हम ये भी ले लेते हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है फ्रेंड। तो वैसे फ्रेंड जो हम लोग टेंथ में ऐसे सिंपली पढ़े हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो हम लोग बताएंगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। बट फ्रेंड जो माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, इन सब में हमको करना क्या होता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो एंगल हमारा दो टाइप का होगा, इसमें भी बना देते हैं फिगर, एक बीटा होता है फ्रेंड्स, एक अल्फा होता है। तो हम थोड़ा सा अल्फा की बात करते पहले, तो अल्फा जो हमारा एंगल होता है फ्रेंड्स वो जो है जो आई से लेंस, जो आई से हमारा एंगल बनेगा फ्रेंड्स वो डिस्टिंग लिस्ट ऑफ डिस्टिंग विजन का अगर लेके बनाते हैं तब वो अल्फा होता है। और बीटा फ्रेंड्स क्या होता है, जो एंगल होता है वो आई से कहाँ तक का होता है फ्रेंड्स, इमेज वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होता है उससे जो होता है वो बीटा होता है। बस इसके बारे में अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स आप इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो होगा द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन The magnification is the ratio
between angle subtended by the eye to the virtual image, to the virtual image. And angle subtended by I to list of this distinct list of distinct vision list of distinct vision. फ्रेंड्स ये है, तो फ्रेंड्स एक बार इसको देख लेते हैं. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन जो होता है माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में फ्रेंड्स क्या होगा, द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू द वर्चुअल इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय आई टू द लिस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फ्रेंड जो डिस्टिंक्ट विजन होगा उसके लिए जो होगा, तो अभी हमने बताया बीटा एंड अल्फा, इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोल देंगे m इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा. फ्रेंड्स या तो हम बोल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. ओके फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा और डिफिनेशन फ्रेंड्स हमारा ये है. अब फ्रेंड्स हम इसको इरेज करते हैं, एक एकदम अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं फिगर बनाते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं. तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखें, हम इरेज करने चले. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ कैसी हो फ्रेंड्स, तो शॉर्ट फेकर फोकल लेंथ हो. जिसकी फोकल लेंथ क्या हो फ्रेंड्स, तो शॉर्ट फोकल लेंथ हो. तो फ्रेंड्स शॉर्ट फोकल लेंथ इसलिए, और फ्रेंड्स इसने बोला है कि जो फोकस होगा और जो सेंटर होता है यहाँ फ्रेंड्स ऑप्टिकल सेंटर जो था उसी के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, ये हमको सबसे पहले याद रखना है फ्रेंड्स. तो यहाँ से लोग जानते हैं जब यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा लाइन जो पैरेलल जाएगा ये एल है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स अगर पैरेलल जाता है तो ये हमारा फोकस पे क्या करेगा, ये मीट करेगा फ्रेंड्स, ये फोकस पे मीट करता है. ओके तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारी लाइन ये होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से फ्रेंड्स पास करती है और ये फ्रेंड्स ऐसे पैरेलल हो जाएगा कि यहीं पे हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आई होगी, आंखें यहाँ पे होंगी. ओके फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसका इमेज फॉर्म करते हैं. तो हम लोग जानते हैं इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दें यहाँ फ्रेंड्स ऐसे करके, तो अगर हम यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर देंगे फ्रेंड्स ये चीज और यहाँ से फ्रेंड इसको ले जाएंगे यहाँ से ऐसे, तो हमारा ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे यहाँ मिला रहे हैं, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स ए एंड यहाँ पे हो गया बी और ये हमारा हो जाएगा ए डैश एंड यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा बी डैश. तो फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट हमको दिखाने के लिए क्या होता है, ये तो हमारा फ्रेंड बीटा हो जाएगा, पर हमको क्या करना है अगर ये हम ऐसे
को यहाँ पे बैकवर्ड करके पैरेलल लाइन ले आकर फ्रंट पॉइंट पे मिला दे अगर, इसका नाम A1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं आई से मिला दे, क्योंकि हमारा अल्फा यही आई से मिलता है, तो ये हो गया हमारा आई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये होता है अल्फा और ये वाला होता है बीटा। तो फ्रेंड्स बस यहीं से हमको क्या करना है, अगर हम लिख दें m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, या तो फ्रेंड्स इसी की लिखेंगे tan बीटा अपान tan अल्फा। फ्रेंड्स होता क्या है कि tan बीटा हमेशा इतना, अल्फा बीटा इतना स्मॉल होता है फ्रेंड्स कि tan छोड़ देते हैं और अल्फा बीटा ही लेके हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू लेंगे, थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ इसको इरेज करते हैं, जरा हम वैल्यू ले लें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा जो वैल्यू होगा इसको हम डी बोलेंगे डिस्टिंग रीजन के लिए, और ये फ्रेंड्स हमारा यक्स को कंसिडर अगर हम कर ले तो ये यक्स हो जाएगा, ये बीडेस और ये सी हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे सी है ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करते हैं m इज इक्वल टू फ्रेंड्स होगा बीटा अपन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा अपन tan अल्फा। tan इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग tan इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर अपन होता है बेस, तो परपेंडिकुलर फ्रेंड्स हमारा बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB फ्रेंड्स, और बेस हमारा फ्रेंड्स यहां से CB हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या करते हैं tan अल्फा हो जाएगी ये a डैश और यहाँ पे a1 वन फ्रेंड ए वन और यहाँ पे b डैश अपान ये हो जाएगा cb डैश फ्रेंड, ठीक है। तो आगे हम यहीं से लिख लेते फ्रेंड्स, तो हमारा m इक्वल टू यहाँ से मिल जाता है, ये दोनों सेम है तो cb डैश अपान cb मिल जाएगा फ्रेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इक्वल टू ए वन फ्रेंड बी, ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए तो ये मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारी वैल्यू यहाँ से देख ले तो CB की वैल्यू जो होगी फ्रेंड तो माइनस एक्स होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है हम लोग क्या मेजर करते हैं माइनस में करते हैं, और CB की वैल्यू फ्रेंड जो लिस्ट ऑफ डिस्टिंग रीजन है वो भी क्या है तो माइनस में होगा, तो इसलिए क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स को माइनस करके डी अपान एक्स की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम थोड़ा सा इसको रिप्लेस करके कुछ फोकस टर्म के लाते हैं, फोकस के टर्म में लिखते हैं फ्रेंड्स। तो हमको पता है कि फोकस वन अपान यक्स इक्वल होता है वन अपान फ्रेंड्स बी, और यहाँ पे होता है प्लस वन अपान माइनस वन अपान यू होता है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में जो वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा कि जो वैल्यू होगी वन अपान डी माइनस वन अपान यू की, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा और माइनस फ्रेंड्स वन अपान यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये एक्स की वैल्यू लेनी है फ्रेंड्स। क्या करते हैं कि अपने मन से डी से डिवाइड कर हमारा वैल्यू आ करके लिख देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए कि वन अपान एस इक्वल टू हो रहा है वन अपान डी प्लस वन अपान कितना हो रहा है फ्रेंड्स एक्स हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे डी से डिवाइड कर दें फ्रेंड्स, तो डी बाई एफ इक्वल टू डी बाई डी एंड प्लस डी बाई फ्रेंड्स एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ इसको काट देंगे, अगर वन आगे फ्रेंड्स इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा डी अपान एफ माइनस वन इक्वल टू यहाँ फ्रेंड कितना जा रहा है डी अपान एक्स होगा फ्रेंड, यही डी अपान एक्स हमारा क्या है देखिए, तो मैग्निफिकेशन इसको हम यम लिख दे फ्रेंड। तो इस हिसाब से हमारा ये हो गया एम इक्वल टू फ्रेंड, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं या तो फ्रेंड ऐसे ही लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि हमने यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस लेना माइनस माइनस फ्रेंड प्लस हो जाएगा तो मिल जाएगा वन प्लस डी अपान एफ फ्रेंड, ये हमारा आंसर है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फ्रेंड। अगर आपको नहीं समझ में आ फ्रेंड तो आप इसको एक बार ध्यान से फिर देख कर हम रिवाइज करा दे रहे फ्रेंड्स एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमको ये इसका डायग्राम पता होना चाहिए। तो फ्रेंड डायग्राम क्या है इसका,
एक जो है कॉन्वेक्स लेंगे 60 बेवल वेवलेंथ का, मतलब 60 फोकल लेंथ का लेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा जो इसमें मेन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो प्लेस करेंगे वो सी एंड एफ के बीच में होना चाहिए फ्रेंड्स। और सी और एफ के बीच में जब होता है तो हमको ये पता है कि जो इसका इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है फ्रेंड्स, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, तो फ्रेंड्स मतलब वर्चुअल इरेक्ट मतलब बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए तो यहाँ पे है यह इसके बीच में रख दिया फ्रेंड्स। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसको पैरेलल ले गए, तो पैरेलल ले जाने पर फोकस से होके पास करता फ्रेंड्स, और ऑप्टिकल सेंटर ले जाने पर सेम वैसे ही चला जाता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रोड्यूस करेंगे बैक डायरेक्शन में, जहाँ पे मिलेगा इस लाइन पे अल्लाह के प्रिंसिपल एक्सिस मिला देंगे कि वर्चुअल इमेज हमारी जाए, मतलब वर्चुअल हाइट हो जाएगी। तो फार्मूला होता है एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा फ्रेंड्स। तो टेन बीटा इक्वल हम बताए हैं पहले, जो एंगल सबटेंड होता है बीटा वो इमेज जो फॉर्म होता है और आई से ये होता है, और जो अल्फा होता है फ्रेंड जो इमेज फॉर्म करता है लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से वो आई से होता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए बी ये हो गया, यहाँ पे बीटा यहाँ पे है, तो ए बी अपान यहाँ फ्रेंड सी बी हो गया डिस्टेंस, और ये अल्फा के लिए यहाँ ए ए वन बी डैश अपान सी बी डैश हो गया फ्रेंड। अब क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इक्वल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, बचेगा सी बी डैश अपन सी बी। सी बी डैश की वैल्यू हम लोग देख रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन डी है, वो भी लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू फ्रेंड एक्स लेफ्ट साइड माइनस हो गया, माइनस प्लस डी अपन एक्स हो गया। थोड़ा सा इसको हम फोकस टर्म के टर्म में लाने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो वन अपन इक्वल हम लोग फॉर्मूला पता है ये लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के लिए माइनस डी रखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस लिखेंगे, प्लस मतलब पहले नहीं होगा, पहले तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर यहाँ बाद में ये माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं d से डिवाइड कर देंगे, बोथ डायरेक्शन में बोथ साइड में d से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ d से डिवाइड ये लिख दिया एक बार हमने ऐसे ही। उसके बाद यहाँ फ्रेंड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा डी बाई एफ, यहाँ डी बाई डी, यहाँ डी बाई, ये डी बाई एफ सभी मैंने निकला लिया फ्रेंड्स, ये हमारा कितना है डी बाई एक्स, ये हमारा क्या है मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रेंड्स, तो वन को उधर कर देंगे, माइनस वन है उस तरफ जाके प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, और दोस्तों में शेयर करिए, हम ऐसे टॉपिक आपके लिए और माइक्रोस्कोप में लाने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके थैंक यू।